गाइस, मैं अंकिता और मेरी चैनल ब्लूमी अंकिता में आप सब। तो गाइस, मैंने मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट परचेस किया है जिसका आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, वो है ये मिस क्लेयर का ये पैलेट। ये दोनों मैंने मिंत्रा से परचेस किया है। बहुत दिन से इसको सोच रही थी परचेस करने का। मुझे बहुत ज्यादा रिव्यू इसका देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो कब से सोच रही थी इसको परचेस करूं। तो ये इसमें आई थिंक 3 पैलेट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है 03, 02, आई थिंक 1 भी होगा। ओके गाइस, तो ये दोनों पैलेट मैंने खुद बाय किया है। ये मैंने खुद बाय किया है, ये मुझे ब्रांड की तरफ से रिसीव नहीं हुआ है और ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। बस ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत दिन से इंतजार था, इसलिए इसको बाय किया मैंने। ओके, बाकी इसका देखते हैं जो सेट नंबर 1 है मिलता है कि नहीं, वो फ्यूचर की बात है। वहां मिंत्रा पे मुझे नहीं मिला था, ये दोनों था, अच्छा खासा डिस्काउंट में था, तो फटाफट दोनों ही बाय कर ली। तो ये है मिस क्लेयर का अल्ट्रा ग्लो कॉन्टोर एंड हाइलाइटर। इसमें ब्रॉन्जर भी है, कॉन्टोर भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। 3-in-1 है ये पैलेट। ओके, तो मिस क्लेयर अल्ट्रा ग्लो कॉन्टोर एंड हाइलाइटर मेकअप पैलेट। और मेरा जो शेड, ये वाला जो शेड है ना, 2 इसमें, जैसा कि आप लोगों को पता है 2 मैंने किया है, तो ये वाला जो है ना, ये है 02। ओके, और मैं इसको ओपन भी नहीं की हूँ, ऐसे ही रख दी थी, आप लोग देख सकते हैं अभी। हाँ, जस्ट बॉक्स ओपन किया था, क्योंकि कभी ऑनलाइन जब परचेस करो ना तो बॉक्स में कभी कभी ये टूट जाता है, तो इसलिए मैं आया तो जस्ट को बॉक्स ओपन करके देख ली थी। बट नहीं, एकदम फ्रेश है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ओह शिट, क्यों नहीं रहा है। ओके, लुक एट दिस, बहुत ज्यादा प्यारा वाला है। इसमें आपको ये ब्राउन शेड मिल जाएगा, गोल्ड कलर मिल जाएगा, ये गोल्ड एंड सिल्वर का जो टच होता है ना, दोनों मिक्स करके है, बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम से शाइनिंग सा है। ये टोटल एकदम से आपको सिल्वर मिल जाएगा, ये पिंक में मिल जाएगा, ये कॉपर में मिल जाएगा, ये मैट है, सेम ये दोनों कलर सेम है, बट ये मैट है, ये हल्का से इसमें शाइनिंग सा है। ओके, तो इसका जो प्राइस वगैरह है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्राइस, ओके, हाँ, तो ये 365 रुपीज़ इसका जो MRP है। इसका जो क्वांटिटी है वो है 16 ग्राम, और इसका सेल्फ लाइफ जो है वो है 625 तक। तो देख लिया आपने, अब दूसरा वाला दिखाती हूँ। दूसरा वाला जो पैलेट है ये, और ये तो ये जो शेड है वो है 303। ये भी सेम वही MRP है, 365 रुपीज़। जो इसका वेट है वो है 16 ग्राम, सेल्फ लाइफ है 625। हाँ, सेम है, सेल्फ लाइफ भी सेम है, 625 625। शेड दोनों का चेंज है। इसका जो ये वाले पैलेट का जो शेड है ना, ये मुझे उससे अच्छा लगा, वो भी बहुत प्यारा है, उसमें ब्रॉन्जर बहुत अच्छा दिया है। इसमें ब्रॉन्जर आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लाइट शेड का ब्रॉन्जर मिलेगा, बट उसमें ब्रॉन्जर बहुत अच्छा दिया है। ओके गाइस, तो ये है, ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाला शेड उसमें भी था सिल्वर कलर, ये वाला भी शेड उसमें था गोल्ड कलर, ये इसमें अलग दिया है, बेबी पिंक है, इसमें कैमरे में उतने अच्छे से नहीं पता चल रहा है। ये जो है ना, मेरा
बेबी पिंक, समझ जाइए बस नहीं, बेबी पिंक जो आता है ना वो बेबी पिंक इसमें है। ये है कॉपर कलर, डार्क कॉपर कलर, ये लाइट कॉपर कलर, ये थोड़ा सा कॉपर जो कलर है ना ये पिंक टोन में, वो पर्पल कलर, कॉपर कलर नहीं बोलेंगे, पर्पल कलर बोलेंगे, नहीं पर्पल भी नहीं आएगा। और पिगमेंटेशन आप लोग देख सकते हो, वाओ सुपर। ओके, इसमें दो ये आपको मैट मिल जाएंगे, आई थिंक ये इससे कॉन्टोर कर सकते हैं, और ये पाउडर है, ये हल्का सा लेवेंडर कलर में है, ये भी बहुत अच्छा है। तो सेम चेंज है दोनों का, बस ये दो शेड जो है उसमें थे, व्हाइट कलर सॉरी सिल्वर कलर एंड गोल्ड कलर, ये दोनों उसमें भी थे, इसमें भी है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी दोनों जो पैलेट है वो बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े से बस मैच हो रहे हैं, बाकी बहुत अच्छे हैं। इसका जो शेड जो 01 है वो मुझे नहीं मिला, आई थिंक मेरे लिए इतना ही इनफ है, बहुत है ये पैलेट है तो बहुत ज्यादा शेड है तो बहुत दिन तक चलेंगे। और आप इसको ना हाइलाइटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं, ब्लश के जैसा भी यूज कर सकते हैं, आई शेडो के जैसा भी यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर ब्रॉन्जर सब इसमें है। अगर मैं बोलूंगी कि आप लोग अगर मेकअप करना पसंद आप लोगों को है तो ये वाला पैलेट आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये है मेरा छोटू सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं